चार लोग में जो व्यक्ति विदेश से आए हुए हैं, हम लोग उसका सभी का सैंपल जांच के लिए पटना भेज रहे थे। तो 31 तारीख को जो सैंपल कुछ 29 भेजे थे, उनमें से एक व्यक्ति का पॉजिटिव आया है। हम लोगों को रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी करके 18 व्यक्ति चिन्हित किए हैं जो उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए थे। उन सभी लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनकी सैंपल लेके उसको जाँच के लिए पटना भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो जिन व्यक्ति का पॉजिटिव आया था उनको भी हम लोगों ने पटना भेज दिया है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। और ये व्यक्ति को कोई सिम्टम नहीं था, लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, उनको सिम्टम नहीं आया था। और उस एरिया में जहाँ के हैं वहाँ पे हम लोग जो प्रावधान है, प्रोटोकॉल है, कंफर्म केस पाए जाने पर उस प्रावधान के अनुरूप हम लोग उसका सर्विलेंस स्टार्ट कर दिए हैं और उस एरिया को हम लोग उसको सिक्योरिटी में लिए हैं, वहाँ फोर्सेस का डिप्टेशन किया गया है। और किसी को इससे बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रोटोकॉल है, जो सरकारी कर्मी जो सभी हैं वो जो उनका आवश्यक उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है किस तरीके सर्वेलेंस करना है, आप सभी लोगों से अपील है कि इसमें सहयोग करेंगे। साथ ही साथ बेगूसराय जिला के सभी निवासियों से भी मेरी अपील है, मैं पुनः अपील करता हूँ, सभी लोग जो सुझाव दिया जा रहा है कि क्वारंटाइन में रहें उसका सभी निर्देशों का आप लोग अनुपालन करें, लॉकडाउन का जो निर्देश है उसके निर्देशों का अनुपालन करें। अगर कोई आवश्यक वस्तु आप खरीदने जाते हैं बाजार में तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उस नॉर्म के उचित दूरी बनाते हुए अपने सामान का क्रय करेंगे और भीड़ भाड़ वाली किसी भी जगह पर आप लोग जाने से बचें। और जो व्यक्ति अभी रिसेंटली बाहर से आए हैं सबको स्कूल में क्वारंटाइन में रखा गया है और उसमें कुछ जगह सूचना प्राप्त हो रही है, लोग रहते हैं रात में चुपके से निकल जाते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा इस तरह की हरकत आप लोग नहीं करें, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते 14 दिन का जो क्वारंटाइन का पीरियड है उसका अनुपालन करें। और साथ ही साथ हम लोग सभी स्कूलों में चौकीदार भी प्रतिनियुक्त कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इस तरह बाहर जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति